सब्सक्राइब कीजिए एबी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल हैं आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जून 2019 की प्रिपरेशन में जुटे होंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं एनटीए ने भी हाल ही में जून 2019 के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है। ऐसे में उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें खास है जानने के लिए, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और चाहे तो अपने पास में कॉपी पेन रख सकते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो अपने पास आप लोग लिख सकें। तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों सबसे पहले जो काम आप लोगों ने करना है वो एनटीए की साइट पर जाना है और उसमें दोस्तों आप लोग जाएंगे तो अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है पर जल्दी ही अपडेट कर देंगे। अभी के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। इस पर दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो विंडो खुलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी जहां पे बताया गया है। हालांकि आज 1 मार्च है फिर भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने नहीं किए हैं और यहाँ पे यह मैसेज दिखाया जा रहा है। आप लोग इस विंडो पे जाएंगे तो आप लोगों ने क्लिक करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूजीसी नेट 2019 पर, ठीक है। उसके बाद में आप लोग डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे पर उसके अंदर जो खास चीजें हैं वो मैं आपको बताई जा रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों EWS का एक नया नोटिफिकेशन और आया है और EWS की फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया था जनरल कैटेगरी को और इन्होंने इस तरीके से इस लैंग्वेज को यूज किया है कि जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके का रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया है वो EWS के अंतर्गत आते हैं और उसका मतलब सीधा सीधा जनरल कैटेगरी ही है। तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इन दोनों को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। पर अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने जून 2019 का जो बुलेटिन है उसके अंदर क्या क्या खास चीजें रखी हैं। यहां पे दोस्तों आप लोग उसे डाउनलोड करेंगे तो दूसरे पन्ने पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि है कि 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आप लोग फीस कब तक दे सकते हैं, तो फीस बताइए कि 1 अप्रैल 2019 तक आप लोग अपनी फीस को जमा करवा सकते हैं रात के 11:50 तक। उसके बाद बताया गया है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको अनरिजर्व भी कहा जाता है उनके लिए फीस है 800 रुपए। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये नया जोड़ा है उनके लिए फीस है 400 रुपए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए फीस है 200 रुपए। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा पर अभी के लिए हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। करेक्शन हम कर सकते हैं 7 से लेकर 14 अप्रैल तक। डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड 15 मई से और डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बताई है 20 जून 21 जून, उसके बाद 24 25 26 27 28 जून, ठीक है। ड्यूरेशन दोस्तों अब ये खास बात है, आप लोग कॉपी पेन साथ में रखी हुई है तो आप लोग जरूर लिख लीजिए। इस बार आप लोगों को आधे घंटे का गैप बीच में नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था पेपर वन करने के बाद आपको आधे घंटे का गैप दे दिया जाता था उसके बाद में पेपर टू आप लोग करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया 3 घंटे का रेगुलर पेपर कर दिया, उसी में आप लोगों को पेपर वन और पेपर टू करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इन्होंने बोल दिया नो ब्रेक बिटवीन पेपर वन एंड पेपर टू, ठीक है। ये खास चीज है आप लोग जरूर लिख लीजिए, आप लोग भूल सकते हैं अपने पास में। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बताई है कि 9:30 से लेकर 12:30 तक चलेगा फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर, दूसरी शिफ्ट का पेपर है 2:30 से लेकर 5:30 तक चलेगा। सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ये तो हमें एडमिट कार्ड में देखने को ही मिलता है, पर हम लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें हम अपना जो नियर बाय एरिया होता है उसमें अपना सेंटर भर ही लेते हैं। और सेंटर के लिए भी मैं आप लोगों को कहूंगा पेज नंबर 20 आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन का देखिएगा, वहां पे आप लोगों को सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका स्टेट है वहां पे आप लोग सेंटर देख लीजिएगा, जो भी आपके एरिया के नियर बाय पड़े उसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस आप लोग 4 अपने सेंटर की दे सकते हैं और बाकी सब तो अपने लिए खास करने हैं। एनटीए की साइट हम लोग जानते हैं और 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा, इस पे हमें भरोसा नहीं है क्योंकि एनटीए का रवैया जो है वो बदलता रहता है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया था मैंने आपको बताया था पहले वाली विंडो में कि आप उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति 8 लाख रुपए तक की फैमिली इनकम वाला है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आता है। अब ये सब पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें पढ़ नहीं रहा हूं। और दूसरी कैटेगरी इन्होंने रखी है कि जिसकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम है वो इसके अंदर आता है, जिसका रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम है वो इसके अंदर आता है,
रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स का मतलब हो गया 900 स्क्वायर फीट, ठीक है। यहाँ पे यार्ड लिखा गया और दूसरे पॉइंट में यहाँ पे फीट लिखा गया, तो आप लोग कंफ्यूज में तो होइएगा इतना कम कैसे हो गया। स्क्वायर यार्ड्स का मतलब यहाँ पे 900 स्क्वायर फीट से है, ठीक है, और अगर वो उससे कम है तो वो इसके अंतर्गत आता है। और चौथा इन्होंने बता रखा है कि रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, 200 स्क्वायर यार्ड का मतलब हो गया 1800 स्क्वायर फीट एंड अबव इन द अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है तो वो स्क्वेयर 100 स्क्वायर यार्ड था, और म्यूनसिपैलिटी के बाहर आता है तो 200 स्क्वायर यार्ड है। तो इस तरीके से अगर इन सब से कम है तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आता है। और उसके बाद में दोस्तों उन्होंने बताया कि अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आता है तो उसकी फीस है 400 रुपये, और अभी के लिए कोई सर्टिफिकेट इन्हें अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन आप लोग अगर EWS के अंतर्गत अपना फॉर्म को भरते हैं तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट जरूर तैयार रखिएगा। इन्होंने उसी डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज पर ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो आप लोग अगर EWS के अंतर्गत अपना फॉर्म भरते हैं तो आप लोग इसे जरूर भर के रखिएगा, और तहसीलदार, तहसीलदार जो भी हमारे जिले का होता है उससे ऊपर की पोस्ट का कोई भी व्यक्ति इसे एक तरीके से अटेस्ट कर सकता है, ठीक है। तहसीलदार से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे अटेस्ट नहीं कर पाएगा, उससे ऊपर के ही पोस्ट का, तहसीलदार या उससे ऊपर की कोई भी पोस्ट का व्यक्ति इसे अटेस्ट कर पाएगा। ये इन्होंने स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट में बताया है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, आप लोग इसे NTA की साइट से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इस बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या चीजें खास है। अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, आप लोग इन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिएगा। पहला है 8076535482, दूसरा नंबर है 7703859909, ठीक है। और ईमेल आप लोग कर सकते हैं UGCNET-NTA@NIC.in पर। उसके बाद में दोस्तों अगली खास बात है आप लोगों के लिए कि 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा बिना किसी ब्रेक के, और ये तो मैंने आपको खैर पहले बता ही दिया था। उसके बाद में दोस्तों फोटोग्राफ के लिए काफी सारे मैसेज मेरे पास पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आने के चांसेस हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग फोटोग्राफ अपना लेटेस्ट वाला ही अपलोड कीजिएगा, और उसके लिए जो साइज इन्होंने बताया है वो है 10 से लेके 200 KB तक, ठीक है। 10 से लेके 200 KB तक की पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों ने अपलोड करनी है, और वो वाली फोटो अपलोड कीजिएगा जिसके 6 से 8 फोटोग्राफ आप लोगों के पास में अवेलेबल हो, ठीक है। ये बात खास तौर पे ध्यान रखिएगा, 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो वो जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो आपके पास में मौजूद होनी चाहिए। सिग्नेचर के लिए दोस्तों इन्होंने बताया है कि आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर कीजिएगा व्हाइट पन्ने पर, और उसे स्कैन करके अपलोड कीजिएगा, और उसके लिए साइज रखा है 4 से लेके 30 KB तक। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर कल को हमने ब्लू पेन से अपलोड कर दिया हो तो रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं। इन्होंने FAQ अपलोड किया हुआ है अपनी NTA की साइट पर, उसे अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहां पे लिखा गया है कि अगर आपने ब्लू पेन से भी सिग्नेचर करके अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और पासपोर्ट साइज फोटो जो आप लोग अपलोड करेंगे वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बिना किसी गूगल के कैप के होनी चाहिए। अगर आप परमानेंटली उस चीज को अपने पास में रखते हैं या परमानेंटली गूगल लगा के रखते हैं किसी आंखों की प्रॉब्लम के कारण, तो वो अलाउड होगा, अन्यथा वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों खास चीज आप लोगों के लिए ये है कि कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम होगा ही, एग्जामिनेशन डेट ये आपकी है ही, 2 शिफ्ट 1 दिन में होगी, ये भी आप लोगों को पता था। लेकिन ये कुछ लोगों का क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि अगर हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था तो उसका नंबर हमें मिलेगा या नहीं? तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि मार्क फॉर रिव्यू अगर आप लोग करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, 0 मार्क्स दिए जाएंगे, सिर्फ करेक्ट आंसर के ही आप लोगों को 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये डाउट भी इन्होंने इस बार क्लियर कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये थे खास पॉइंट्स आप लोगों के लिए याद रखने में, और उसके बाद भी दोस्तों आप लोगों को गाइड मेरा यही रहेगा कि आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर पढ़िएगा। ये कुछ चुनिंदा चीजें थी जो आप लोगों के लिए जाननी जरूरी थी, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और एक एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर 1 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑलरेडी इस चैनल अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। और पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग उसे भी जरूर देखकर अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छी बनाइएगा, ठीक है। दोस्तों ऑल द बेस्ट आप लोगों को जून के एग्जाम के लिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।